जी स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर पे टॉपिक पे थे। ये देखिए यहाँ, हेलो सिराज, समीर, हसन, हसनैन, जी सर, जी सर, सब है ना सर। देखिए मैं ये कह रहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मैं ये अलग से बना रहा हूँ कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा, ठीक है, ये इसका टर्मिनल हो गया इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया, और समझेगा ये आपका आउटपुट हो गया, सही है। और इसको मैं वी वन कह देता हूँ, इसको मैं वी टू कह देता हूँ। अगर मैं आइडियल ओपन की बात करूँ तो चूंकि इसके अंदर कोई इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस है, तो यहाँ से जाने वाला करंट कितना होगा, जीरो एम्पियर। बात समझ में आ रही है, यहाँ से भी जाने वाला अंदर कितना होगा, जीरो एम्पियर, क्योंकि कोई पाथ ही नहीं आ गया। हेलो, समझ रहे हो बात, बोलते रहो यार साहब। सर भाई ये बात क्लियर है ना? सर अच्छा, गेन कितना है आपका? आप कह रहे हैं इसका गेन इनफाइनाइट है, तो ये इस्तेमाल कैसे होगा, यूज क्या है? जब गेन ही इसका इनफाइनाइट है तो इस्तेमाल कैसे होगा? इसमें इसका सिर्फ इस्तेमाल एक ही, अभी अभी इस केस में सिर्फ एक तरह से इस्तेमाल फिलहाल किया जा सकता है, इसको हम कंपैरेटर बना सकते हैं। कंपैरेटर, कंपैरेटर क्या होता है? कंपैरेटर वो होता है जो कि कंपेयर करता है चीजों को। बताओ कंपैरिजन जब हम करते हैं किसी चीज का तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, बताएं? अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई बता सकता है? इक्वल होंगे या फिर सेम चीज निकलेंगी? यानी या तो ये रिजल्ट होगा या ये रिजल्ट होगा या ये रिजल्ट होगा, क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, इन तीन के अलावा कोई चौथा रिजल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मुझे मुझे बताएं, ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए क्या मालूम होगी? नो सर, फिलहाल तो नहीं है। नहीं होगी। क्या वैल्यू बी की मालूम होगी? जरा और समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू बी की मालूम होगी? नो सर, नहीं होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ए की क्या है और बी की क्या है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि बराबर है, ये बड़ा ही है। अब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल दोबारा बनाता हूँ, ये ऑप एम्प है, ठीक है, इसमें सप्लाई लगा दी मैंने, यार ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बनाता हूँ। देखो सब लोग देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सप्लाई लगा दी है 10 वोल्ट, और नीचे सप्लाई लगा लेता हूँ -10 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया बी, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, ए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आउटपुट क्या है। अब देखिए अगर ए और बी दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा जी, कोई बता सकता है आप में से? सिराज, हसनैन, समीर, समीर आप बताएं, समीर सर, जी जी सर, बताइए बताइए, क्यों रिपीट कीजिएगा। आप सो रहे थे क्या? हाँ नो सो रहे थे ना, इसका मतलब है क्लास में बैठे हुए नहीं, अटेंडेंस के लिए आए हुए हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ इस कंडीशन के लिए मुझे बताओ वी आउट क्या होगा जो लिखी है मैंने, ए इक्वल टू बी, ये सर्किट बना हुआ है, वन कितना होगा, वन वन क्या, 1 वोल्ट? यस सर। कैसे? कैसे ऐसी बस? हाँ बोलो। सर आपने कहा था ना कि अगर इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 ही होगा। अभी क्या गधे हो गए हो तुम? मैंने वो नॉट गेट की बात की थी इन्वर्टर की, उसके इससे क्या ताल्लुक है, और इसमें 1 कहाँ है इनपुट? पागल बागल तो नहीं हो तुम? कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहे हो यार, जमीन अल्लाह को मानो यार। मैंने आपसे क्या कहा है, ये इन्वर्टर है, ये ऑप एम्प पढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लग रहा है सुन ही नहीं रहे। हसनैन, हसनैन माइक खोलो भाई, फिर मैं एब्सेंट लगा दूंगा। हसनैन मैं आपको प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा अगर आप माइक खोल के जवाब नहीं देंगे, इट मीन्स कि आप क्लास में है ही नहीं, आपसे लॉग इन करके चले गए यहाँ से। इसका क्विज होगा भाई आप लोगों का इसी टॉपिक का, ऑप एम्प का जी। सिराज आप दे सकते हैं जवाब, ए इक्वल टू बी का? सर बेसिकली इनका डिफरेंस निकलेगा। बोलो सर, आपने जो पहले पढ़ा था कि इनका समीर अब समझ लो, ए और बी का डिफरेंस। यस सर। भाई देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, ए बी डी अभी तो बताया था पीछे, और ए बी डी क्या है, ए और बी डी है हमारे पास,
ये तो सर्किट नहीं है ना, ये सर्किट छोड़ दो, ये वाला सर्किट ना, बी डी होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो ये होगा ए माइनस बी, ठीक है जी। तो बताएं जब ए और बी दोनों बराबर होंगे तो इसका आंसर जीरो नहीं होगा समीर? यस सर। समझ में आई बात? तो अगर दोनों सेम इनपुट दे दूंगा तो आंसर हमेशा जीरो आता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पे काम करता है, ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पर काम करता है, ठीक। अच्छा, आप अगर दूसरा केस हो, मिसाल के तौर पर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है तो क्या होगा बताइए? आप कहेंगे सर इसी के अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ए बी से बड़ा है तो पता है आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मुझे ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू नहीं पता, मगर पता है ए बी से बड़ा है तो इसका आंसर जो भी होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? जी सर। सब बोले सही कह रहा हूँ, पॉजिटिव होगा। यस सर। और ए की वैल्यू कितनी होती है? आइडियल हम पढ़ रहे हैं, ए आइडियल कितना होता है बताएं? इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आया? प्लस की इन्फिनिटी। भाई अगर इन्फिनिटी है तो प्लस की इन्फिनिटी हुई ना, जल्दी बोलो सही कह रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा? इन्फिनिटी का मतलब होता है टोटल सोर्स वोल्टेज, क्योंकि जाहिर इससे ऊपर तो कुछ लगी भी नहीं है ना भाई, 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट से तो ऊपर आप वोल्टेज दे ही नहीं रहे, तो 11 वोल्ट तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब है इतना मैक्सिमम वोल्टेज, इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव का कितना है यहाँ पर? 10 वोल्ट, ये अपेयर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा। ओके सर। और तीसरा केस अगर हम देखें, इसमें ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो आप इसमें कहेंगे कि मेरे भाई ए अगर बी से छोटा है तो आउटपुट क्या होगा? ए टाइम्स ए माइनस बी। तो ए टाइम्स ए माइनस बी का जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। बोलो। यस सर। माइनस इन्फिनिटी बन गया, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर कितना है? माइनस 10 वोल्ट। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम को इसी कंडीशन में, यानी कि जिसमें ये आइडियल कंडीशन जैसे हमने ली हुई है, यही मैं आप एक लूं और दो अननोन वोल्टेजेस को मालूम करना हो, कोई भी अननोन वोल्टेज एक्स वाई मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं और यहाँ पर सप्लाई दे दूं मिसाल के तौर पर 15 वोल्ट और यहाँ पर दे दूं -15 वोल्ट, ठीक है जी, और आउटपुट चेक करूं लैब में बैठकर, तो अगर आउटपुट जीरो आ गया इसका क्या मतलब होगा? एक्स वाई दोनों बराबर होंगे। अगर आउटपुट जीरो नहीं आया, 15 वोल्ट आ गया, तो आप कहेंगे जो प्लस पे जोड़ा हुआ है वो पड़ा होगा, और अगर इसका आंसर -15 वोल्ट आ गया तो आप कहेंगे जो माइनस पे जोड़ा हुआ है वो पड़ा होगा। इस तरह से आप एक्स वाई का कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटर। ओके सर जी, सबको बात समझ में आई? ये मैं बनाने को दे सकता हूँ आप लोगों को कंपैरेटर। अच्छा, लेकिन मसला एक और आता है, वो ये आता है कि ये कंपैरेटर तो बन जाएगा, मगर अगर मुझे एम्पलीफायर बनाना है, यानी कि मैं कहूंगा कि मुझे 1 वोल्ट देना है और मुझे आउटपुट पर 10 वोल्ट चाहिए, तो ये क्या हो रहा है? एम्पलीफाई हो रहा है ना, बताओ सर। क्योंकि ये हैवी ओपैम, ओपैम का क्या मतलब होता है बताइए? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एम्पलीफाई करना इसका मकसद है कि नहीं? जल्दी बोलो यार, सही कह रहा हूँ? जी सर। मगर इसका जो गेन है वो तो इन्फिनिटी है ना, तो ये एक बड़ा मसला आता है कि इन्फिनिटी का तो फिर मैं मतलब वन, मैं इधर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 वोल्ट देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। मैं 2 वोल्ट देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। मैं अगर 10 वोल्ट देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि गेन इन्फिनिटी है। क्या ख्याल है आपका? अगर गेन्स का मिसाल के तौर पर 10 होता तो 1 वोल्ट देता तो आंसर क्या आता? 10 वोल्ट। 2 वोल्ट देता तो आंसर क्या आता? 20 वोल्ट। 10 वोल्ट देता तो आंसर क्या आता? 100 वोल्ट। क्या ख्याल है आपका? तो अगर गेन कोई यानी कोई ऐसा पैरामीटर हो जो कि समझ में आने वाला हो, दूसरा केस करके मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, यानी अपनी मर्जी से कर सकूं, फॉर एग्जांपल मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे ए चाहिए सिर्फ 2 टाइम्स, तो मैं अगर 4 वोल्ट दूंगा तो आंसर मेरे पास 8 वोल्ट आ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? Yes, sir. लेकिन मसला है कि ओपैम का मेरे पास जो मुझे ए मिलता है वो इन्फिनिटी बनता है, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल है, ये बस क्या करेगा? मैक्सिमाइज कर देगा। तो मैक्सिमाइज में हम कंपैरेटर तो बना सकते हैं मगर आम एम्पलीफायर नहीं बना सकते, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, हेडिंग दे दीजिए, फीडबैक। क्या कहलाता है? फीडबैक। फीडबैक। अच्छा, फीडबैक क्या चीज होती है? नाम से पता चल रहा है कि आउटपुट को अगर इनपुट में वापस ले आया जाए, आउटपुट को अगर इनपुट में वापस ले आया जाए, उसको क्या कहते हैं? फीड
उसको क्या कहते हैं फीडबैक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा अब लेकिन एक मसला ये है कि हमारे पास ऑपएम्प में तो दो इनपुट्स हैं, हाँ एक पॉजिटिव इनपुट है इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग का, एक इन्वर्टिंग इनपुट है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसका फीडबैक यूं दे दूं पॉजिटिव टर्मिनल तो क्या ये फीडबैक नहीं होगा? बताइए। होगा सर। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ दे दूं नेगेटिव में तो क्या ये फीडबैक नहीं होगा? होगा सर। ये दोनों ही फीडबैक होंगे मगर फर्क ये है कि इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक और इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर आउटपुट से नेगेटिव में जा रहा हो तो नेगेटिव फीडबैक आएगा और पॉजिटिव में जा रहा हो तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा। यहां तक क्लियर बात? जी सर। अच्छा लेकिन हमारा जो मकसद है वो, यानी मकसद तो नहीं यूं कह लेता हूँ कि हमारे कोर्स में जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। होते तो दोनों है, याद रखिएगा, होते दोनों है, हम इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव फीडबैक करेंगे। अच्छा नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक जो है वो वैल्यू को बढ़ाता है और नेगेटिव फीडबैक वैल्यू को गिराता है। तो हमारे पास तो जो गेन है वो ऑलरेडी इन्फिनिटी है ना, तो मुझे मजीद तो बढ़ाना नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ नेगेटिव फीडबैक लगाता हूँ जो कि गेन को कम करके मेरे हाथ में दे देगा, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप लोग फिर कौन सा फीडबैक इस्तेमाल करेंगे? जो हमेशा माइनस की तरफ आ रहा होगा, प्लस की तरफ नहीं जा रहा होगा, ये हमेशा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। अच्छा इसके बाद आप हेडिंग लीजिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनता है मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाने का तरीका ये है कि आप पहले तो इसको नेगेटिव फीडबैक दे, नेगेटिव फीडबैक तो आएगा ही आएगा, वो हर किसी में आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा। ये देखिए ये आउटपुट से माइनस की तरफ जा रहा है, बात समझ में आ गई? इसका नाम मैंने आर एफ यानी फीडबैक रजिस्टर रख दिया। भाई यहाँ तक क्लियर बात बोलो? जी सर। आप देखो दो इनपुट है आपके पास, एक इनपुट ये है और दूसरा इनपुट ये है। अब मैं अपना सिग्नल कहाँ दूं? अगर मैं अपना सिग्नल नेगेटिव को देता हूँ, इसको मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड करता हूँ और मैं अगर अपना इनपुट यहाँ दे दूँ, एक रजिस्टर लगा लेता हूँ और उसके बाद इसको आर वन कह देता हूँ और ये वी आई, इसको भी आर आई कह देता हूँ दे दूँ, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी कि आसान अल्फाज में अगर इनपुट माइनस पे दे रहा हूँ तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, और अगर इनपुट प्लस पे दूंगा तो फिर कौन सा होगा बताएं? पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है देखो फीडबैक याद रखना, फीडबैक जो है वो सिर्फ, यानी कि ये जो आर एफ है ना ये माइनस पे जाएगा, ये कभी प्लस में नहीं आएगा, माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो इनपुट है वो माइनस की तरफ आ रहा है। भाई यहाँ तक बात क्लियर? जल्दी से बोलो। Yes, अच्छा, अब इसका मुझे गेन निकालना है। गेन क्या होता है? आउटपुट। नहीं, गेन होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट वो निकालना है। अब तक तो हम इन्फिनिटी देख रहे थे ना, आइडियल, आइडियल तो इन्फिनिटी था, मगर अब हम देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर बात? हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा चलिए अब इससे दो कंडीशन है, एक आइडियल एक रियल। पहले आइडियल लेते हैं। आइडियल में गेन कितना होता है बताएं? अच्छा इससे आप एक कंफ्यूज हो सकते हैं, एक काम करता हूँ इसको ए नहीं बनाता, ए चुके देखिए ए होता है इसका गेन, देखो ए होता है इसका गेन, इस पूरे का गेन जो है उसको हम जी ले लेते हैं ताकि आप फर्क कर लें। ठीक है ए आइडियल में कितना होता बताएं? इंफिनिटी। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था याद करें? वी टू माइनस वी वन, यही था। अच्छा ए की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आप बताएं क्या इन्फिनिटी में 1/0 लिख सकता हूँ? बोले जी सर। अगर मैं जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये जीरो नहीं हो जाएगा? जी सर। तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये बेसिकली वी वन और वी टू बराबर नहीं हो जाएंगे? बोले जी सर।
तो यही चीज होती है। अब इस डायग्राम को बोल जाए, ये डायग्राम देखें, ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, ये नजर आ रही है अब डायग्राम आपको? हेलो जी सर, आ रही है। एक काम करता हूँ यार, तो बंद करता हूँ, थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा, ये खोल लेता हूँ ताकि आपको वो दिखे। जी भाई जल्दी से आपके यहाँ पे बनाते हैं। हेडिंग था हमने हमारी, क्या है बताएं, हेडिंग क्या है हमारी? इन्वर्टिंग तो यही है ना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बताइए जी सर। माइनस प्लस, ये क्या है? बी वन, और ये क्या है बताइए? बी टू, क्या है आपका? बी आउट। अच्छा, इससे हमने एक फीडबैक लगा लिया, और से देखिएगा आपको ड्राइव करा रहा पूरा, और इसको मैं कह रहा हूँ मैंने ग्राउंड कर दिया, और इस पर मैंने एक इनपुट दे दिया आर आई तो कह देते हैं, तो बी आई कह देते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर आइडियल केस होगा, तो आइडियल केस में हमारे पास ए क्या होता है बताइए? इन्फिनिटी। और मुझे यहाँ पे जी फाइंड आउट करना है, जी क्या चीज़ है? आउट ओवर इन, टोटल गेन, ठीक है जी। आइडियल में जरा देखिए, आपके पास आउटपुट होता है ए टाइम्स बी टू माइनस बी वन, तो अगर ये इन्फिनिटी होगा तो मैं ये लिख देता हूँ, और मैंने जैसे बताया कि इन्फिनिटी को अगर मैं 1/0 लिख लूँ और 0 को मैं यहाँ ले जाऊँ, तो बेसिकली हमारे पास आइडियल में ये चीज़ आ जाती है। क्या कह रहा है आपका? भाई बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। इसका मतलब आप ये देखें कि ये दोनों वोल्टेज तकरीबन बराबर होंगे आइडियल केस में, तो इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर 0 वोल्ट दिया हुआ है वी टू, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट अपेयर हो रहा होगा, क्योंकि वी वन वी टू दोनों बराबर है। अगर यहाँ मैंने ग्राउंड दिया है, देखिए ग्राउंड कनेक्टेड है, ग्राउंड का 0 वोल्ट होता है, तो वी वन पर भी 0 वोल्ट आ रहा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आई भाई? वी वन वी टू अगर अगर ये आइडियल हो, ए इसका इन्फिनिटी हो, इसका अगर ए जो है वो इन्फिनिटी हो, तो यहाँ वी वन वी टू दोनों बराबर होंगे, और अगर वी टू पे 0 है तो वी वन पर भी 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके सर। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर ये 0 है, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ आई आई, और एक करंट ज़ाहिर है यहाँ से फ्लो करके जा रहा होगा ऐसे आउटपुट पर, इसका नाम हम आई नॉट रख देते हैं, ठीक है जी। अब जरा आई आई निकालें, इधर ओम सॉ लगाएं इस आर आई पे, ओम सॉ क्या कहता है? ये करंट कहाँ से आ रहा है? आप कहेंगे सर वी आई से आ रहा है, और कहाँ को जा रहा है? आप कहेंगे सर 0 वोल्ट पे जा रहा है, सही कह रहा हूँ? डिवाइड बाय आर आई, आई आई का की क्वेश्चन ये आ रहा है भाई, बोलो सही कह रहा हूँ? हेलो जी सर, कोई मसला हो तो पूछ लें। अच्छा, आई नॉट कहाँ से आ रहा है? आई नॉट आप कहेंगे रेजिस्टर के पीछे, यानी 0 से आ रहा है, और कहाँ को जा रहा है? आप कहेंगे सर वी नॉट जा रहा है, और डिवाइड बाय क्या होगा? आर है, तो आई नॉट की इक्वेशन क्या आ गई? माइनस वी नॉट अपॉन आर है। अच्छा, अब आप खुद बताएं इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा? जी सिराज समीर बताइए, इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा? जल्दी से बताइए, ये आइडियल है, आइडियल है, आइडियल में अंदर करंट कितना जाता है? 0 एम्पीयर, इनफिनिटी, अंदर 0 एम्पीयर जाता है ना, क्योंकि आगे आगे ओपन सर्किट है, सही कह रहा हूँ? जी सर। इस समय करंट जो भी है वो सारा का सारा यूं यूं चला जाएगा, क्या ख्याल आता है? इसका मतलब जो करंट आई आई है वो बराबर होगा आई नॉट। Yes, sir. तो जरा सब्स्टिट्यूट करिए इनकी वैल्यू, वी आई अपॉन आर आई, और इसके लिए क्या होगी? माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। मुझे क्या निकालना है बताएं? ये निकालना है जी, जी कैसे निकालूं बताएं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, वी नॉट ओवर वी आई, यानी वी आई को यहाँ ले आया, और आर एफ को अगर मैं वहां ले जाऊँ तो क्या ये चीज बनेगी? माइनस आर एफ ओवर आर आई, बताइए। जी बताइए, समझ आ गया क्या ये चीज बन रही है? आर एफ ओवर आर आई,
माइनस 10 इसको नोट कर लें या इसकी तस्वीर उतार लें जल्दी से, कर लिया नोट कर लिया जी सर। चलो आगे चलो पूरा करूं। यस सर। अच्छा अब जरा देखिए जो हमने पिछली चीज की थी ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि नहीं हुआ, वी आउट इक्वल्स टू माइनस आर एफ ओवर आर आई वी आई। वी आई तो हम किसके नीचे लिया था ना, हमने गेन लिया था ना। यस सर। हमने क्या लिया था, हमने गेन लिया था। गेन क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने ये लिया था जी इसके बराबर है वी आउट ओवर वी आई ओवर माइनस आर एफ ओवर आर आई। इन्होंने यहाँ पे I नहीं लिया, 1 ले लिया और VI भी नहीं लिया, 1 ले लिया की बात है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। ये है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका जिसमें वो कह रहा है कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो रिवर्स आ रहा है, यानी आउटपुट वोल्टेज में इनपुट के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। ये एक स्केलिंग फैक्टर है, ये यानी अगर इनपुट आपका साइनोसॉइडल होगा तो आउटपुट आपका उल्टा हो जाएगा उसका बड़ा होकर, क्योंकि ये चीज बड़ी भी करी। अब देखें अभी तक आपका जो गेन आ रहा था वो इन्फिनिटी था। तो डिवाइड करेंगे 10 होगा, माइनस 10 हो जाएगा वोल्ट पर वोल्ट, माइनस 10 होगा ना, माइनस 10 तो आएगा ही, माइनस 10 हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैं अगर 1 वोल्ट दूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा विद पोलैरिटी रिवर्स। अगर मैं 100 वोल्ट दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1000 वोल्ट आ जाएगा। अगर मैं 0.1 वोल्ट दूंगा तो आंसर 1 वोल्ट आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एफ और आर आई की वैल्यूज को सेट करके मैं कोई भी गेन हासिल कर सकता हूं, तो मेरी कितनी आसानी हो गई यहां पर। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में। आगे चलें जी, रेफर टू दिस सर्किट कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। हो जाएगा ये करिए, क्वेश्चन करें। ये पहले तो आप ये पहचानेंगे कि इनपुट कहाँ दे रहे हैं, प्लस तो दे रही है माइनस तो दे रहे हैं, तो पहले आप पहचानेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, क्योंकि अभी हम नॉन इन्वर्टिंग भी करेंगे ना। पहचान लिया आपने इसका फॉर्मूला, फिर आप लिख लेंगे वी आउट बराबर होता है माइनस आर एफ ओवर आर आई इंटू वी आई। यही फॉर्मूला था आपको यहाँ पर, वी आई दिया है आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस 25 किलो अपॉन 10 किलो इंटू 0.5 कितना आ रहा है बताएं? बताइए कितना आ रहा है? 1.245 वोल्ट आ रहा है माइनस साइन सर, क्या ख्याल है? यही है। और दूसरी चीज को क्या कह रहे हैं, 10 के से करंट निकालो, ये करंट, तो ये करंट क्या था, आई आई था, याद हो अगर आपको याद हो, कहाँ से आ रहा है, वी आई जो 0.5 वोल्ट है, कहाँ को जा रहा है, इधर जीरो था, डिवाइड बाय 10 के, तो ये कितना हो गया 0.05 मिलीएम्प्स। यस सर। तो ये आपका सॉल्व हो गया जी। इसमें कोई सवाल? नो सर। नो सर। आगे चलें। ये देख लें सॉल्यूशन जो हमने किया वही आ रहा है ना, माइनस 2.5 वोल्ट और 50 माइक्रो एम्प्स, ठीक है जी? जी सर। पढ़े 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 क्या कह रहा है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प सर्किट कैलकुलेट द करंट थ्रू द फीडबैक रेजिस्टर। आउटपुट निकालना फीडबैक रेजिस्टर। अब मैं जल्दी से कर रहा हूँ उसको, भाई कैसे होगा ये बताएं? आप कहेंगे सर आउटपुट वोल्टेज निकालना है ना, कैलकुलेट द, पहले आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, ये इन्वर्टिंग है तो ये होगा माइनस 120 किलो अपॉन 3 किलो,
इनटू इनपुट, इनपुट कितना है 30 मिली वोल्ट, तो आप कहेंगे ये गया और ये 10 हो गया, तो कितना आया माइनस 1200 मिली, तो माइनस 1.2 वोल्ट हो गया पहला। अच्छा करंट निकालना है फीडबैक रेजिस्टर से, तो करंट कैसे निकलेगा फीडबैक रेजिस्टर से? आप कहेंगे सर फीडबैक रेजिस्टर का करंट होता है IF, जीरो से जा रहा होता है, ये जीरो वोल्ट है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो वोल्ट है, जीरो से जा रहा है वी आउट, और वी आउट कितना है 1.2, अभी निकाला है 120 के, तो ये आ गया 1.2 अपॉन, जरा करो जरा 120 के, ये 10 माइक्रो एम्पियर आ रहा है क्या, चेक करें। यस सर। 1.2 अपॉन 120 के आ रहा है, चेक करो जल्दी से यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1.2 डिवाइड बाय 120 के। यस सर सही है। अच्छा इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि इनपुट करंट और फीडबैक करंट दोनों बराबर होंगे। यस सर। तो अगर हम इनपुट करंट निकाले तो भी तो वो फीडबैक करंट ही होगा, निकाल के देख लेते हैं। 30 मिली से आ रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, डिवाइड बाय 3 के, जरा करके देखना, हो गया ना, बल्कि ये 10 आ गया और ये माइक्रो एम्पियर आ गया, देखा एक ही करंट आया, क्योंकि दोनों करंट जो यहाँ से आएगा वही तो यहाँ जा रहा है। क्या ख्याल आप लोगों का, सही किया मैंने? जी सर। जी सर। ओके नेक्स्ट, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके हेडिंग दीजिए, ये हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा ये हमने किया हुआ है, इसको मैं जरा नया ले लूं, नया रब कर दूं सारा ये। जी सर करते हैं। जी सर ठीक है, एडिंग कीजिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जल्दी से एडिंग में लिख ली, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा सर्किट कैसा बनेगा इसका, ये देखिए माइनस प्लस, ये V2 है, ये V1 है, और फीडबैक तो हमेशा माइनस की तरफ ही आएगा ना, सही कह रहा हूँ? जी सर। तो आप हमेशा नेगेटिव फीडबैक देंगे, इसका नाम हमने वही रख दिया फीडबैक सिस्टम। अब वो कह रहा है इस पर इनपुट दे दो बजाय इसके के उस पर देने के, तो ये हमने क्या लगा लिया, आर आई लगा, बल्कि इसको हम आर आई वही लगाते हैं, हम यही यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको इनपुट दे देते हैं। इसका नाम क्या है, आर आई, ठीक है जी, ये हमने कर दिया। अच्छा अब चूंकि इसको भी फिलहाल हम आइडियली ले रहे हैं, आइडियल लेंगे तो वही डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं, हम ये जानते हैं ना आइडियल में V2 माइनस V2 और V1 दोनों बराबर होते हैं, तो हमने डेरिवेशन की है ना, मैं सही कह रहा हूँ? हेलो हेलो आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है सर आवाज। भाई ये बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। V2 और V1 बराबर हुए ना? सर बराबर हो गए तो वोल्टेज मेरे पास जीरो नहीं आएगा वो आउटपुट, क्यों तो लास्ट टाइम तो किया था ना पिछली दफा यार हमने उसी को तो लेके निकाला है पागल आदमी, हमने जो ये निकाला है वो ऐसे ही तो निकाला था, अभी डेरिवेशन की तो है, ये था ना यहाँ पे हमने हमने इक्वल रख के निकाला था, लेकिन अब इसी को तो हम लेके चल रहे हैं कि हमने इसको 1.0 कहा, V2 माइनस V1 कहा, ये जीरो को यहाँ ले गए, V2 माइनस V1 हुआ और V2 इक्वल टू V1 आ गया, इसको लेके निकाला है ना, आई बात समझे? तो जीरो नहीं मतलब जीरो क्यों आएगा, वो एक अलग केस था, ये एक अलग केस है, ये तो सिंपल आपने एक अजम्पशन ली है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर V2 पर अगर V आई है तो V1 पर भी V आई अपीयर हो रहा होगा, तो दोनों बराबर है, ठीक है, एक करंट यहाँ से जा रहा होगा इसका नाम होगा आई आई, और एक करंट यहाँ से जा रहा होगा इसका नाम होगा आई एफ नॉट एफ या नॉट जो भी ले लो, ठीक है, तो जरा आई आई निकाले, तो आई आई कहाँ से आ रहा है, जीरो से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, वी आई की तरफ जा रहा है, डिवाइड बाय आर आई,
आई किसके बराबर आएगा, क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। और आई नॉट ये वी आई की तरफ से जा रहा है, पी नॉट की तरफ जो बढ़ रहा है, क्या ख्याल है? यस सर, क्योंकि दोनों करंट बराबर हैं, क्योंकि अंदर कोई करंट जा नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस वी आई अपॉन आर आई इक्वल टू है वी आई अपॉन आर एफ माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। अब ये वी नॉट वाले को मैं इधर ले जाता हूँ और वी आई वाले को मैं इधर ले जाता हूँ, क्या बनेगा? वी नॉट अपॉन आर एफ, और यहाँ पर अगर मैं वी आई को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आएगा, वन अपॉन आर एफ प्लस वन अपॉन आर आई, क्या ख्याल है आपका? जी सर, मुझे असल में तो जी निकालना ना, जी क्या होता है, वी आउट ओवर वी आई, यही होता है। तो ये वी आउट भी आ गया, वी आई भी आ गया, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो जी निकल आएगा वी आउट ओवर वी आई, ये मैं इसे ले आया और आर एफ को ऊपर ले जाऊँ, तो जब ये आर एफ यहाँ जाएगा तो आर एफ अपॉन आर एफ क्या आएगा बताएं, वन, और जब आर एफ यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, आर एफ अपॉन, ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग का याद है क्या आया था हमारे पास, उसका ये आया था माइनस आर एफ ऊपर आ रही, ये आया था ना जी सर, ये हमारे पास वन प्लस आर एफ ओवर आ रही है जी, नोट करें इसको जल्दी से। नोट कर लिया? यस सर, हो गया। ओके तो मैं जरा बंद कर रहा हूँ और दोबारा से हम अपनी ये देखें, ये फॉर्मूला ड्राइव किया हम लोगों ने, बताएं जी सर, हम लोगों ने क्या ड्राइव किया है, हमने जी ड्राइव किया था जो कि होता है वी आउट ओवर वी आई, वी आई इज इक्वल टू 1 वी1 कह रहे हैं या वी1 है, हमने क्या ड्राइव किया, 1 प्लस आर एफ ओवर, यहां आर1 है तो आर1 ले लेते हैं, अगर वी आई यहां चलेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा ना, बताएं यस सर, जी सर, जी सर, ये हमारे पास आ गई चीज, मैंने आपको बता दिया कैसे आ रहा है, बुक पे नहीं दिया आपको जी। क्वेश्चन पढ़ें, फॉर दिस सर्किट कैलकुलेट वी आउट, तो मुश्किल काम तो नहीं है, तो बहुत आसान है, वी आउट निकालना है, तो वी आउट किसके बराबर है, आप कहेंगे 1 प्लस 10 के अपॉन 4 के इनटू वी आई 6 वोल्ट, तो 1 प्लस 10 अपॉन 4 कितना होता है 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 कितना होता है ढाई, ढाई और एक साढ़े तीन होता है, तो 6 आउटपुट वोल्ट, ये भी तो है, अच्छा ये भी दिया हुआ है, दो दिया यहाँ पर, ये कैसे होगा, मजेदार, मैंने वो देखा नहीं, वेरी गुड जी, बताएं दो दिए बता सकता है, आपने एलसीए में एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम है सुपरपोजिशन, याद है? जी सर, तो वो यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम आ गया ना, सुपरपोजिशन, ये है फायदा सुपरपोजिशन का जो आपने चीजें पढ़ी, सुपरपोजिशन क्या कहता है, एक वक्त में एक सोर्स ऑन कर लो, है? तो अगर एक वक्त में मैं एक सोर्स ऑन करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया सर्किट माइनस प्लस ये वही 10 के, इसको वी नॉट नहीं कहेंगे, अब हम वी नॉट 1 कहेंगे, है ना, ये हो गया 10 के, ये हो गया 4 के, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ 6 वोल्ट को, तो दूसरे सोर्स को मैं किल कर देता हूँ, किल करके वो ग्राउंड हो जाएगा, ये बन गया इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या ख्याल है आपका? तो वी नॉट 1 का आंसर क्या आया, माइनस 10 के ओवर 4 के इंटू 6, बताओ जरा आंसर क्या है जल्दी से, हाँ बताओ यार, 60/4 इन्वर्टिंग का फॉर्मूला नहीं, हाँ तो इन्वर्टिंग ही तो बना हुआ है ऊपर, यस सर, जी सर, 15 वोल्ट आ रहे हैं, चेक करो यार, 15 आ रहा ही नहीं आ रहा, यस सर 15 आ रही है, ओके अच्छा, सुपर पोजिशन में जब एक है, आप दूसरी सोर्स लगा के देखें, यहाँ लगा रहा हूँ माइनस प्लस, इसका आउटपुट क्या नाम होगा, वी नॉट टू, और रिश्ता वही आएगा, ज़्यादा रिश्ता तो नहीं बदलते, 10 के और इधर क्या आएगा 4 के, अब इसको किल कर दें, इसको किल कर दो तो ग्राउंड हो जाएगा, और इसको एक्टिव कर लें, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट,
सही है भाई, ये बन गया नॉन इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, 1 प्लस 10 के ओवर 4 के इनटू 6, ये होगा ना, नहीं 6 नहीं होगा, 4 होगा ना, 4 होगा, 4 होगा, तो करें जरा 10 अपॉन 4 तो 14 आ रहा है, 10 अपॉन 4 प्लस 1 इनटू 4 14 आएगा सर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 14 वोल्ट। तो फिर पोजीशन एंड में हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं V0 1 प्लस V0 2, तो V0 इक्वल टू माइनस 15 और 14 माइनस 1, आई बात समझ में? जी सर। इसमें दोनों सोर्सेज लगी थी ना, तो आपने सुपर पोजीशन लगाया तो एक दफा वो इन्वर्टिंग बन गया, एक दफा वो नॉन इन्वर्टिंग बन गया, मजा आया सर। एम्पलीफायर में सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, सॉरी एम्पलीफायर में सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वाले, मुझे क्या पता, देखते जाओ कितने निकल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। ओ सर। ऐसे काम के साथ पूछा करो ना यार, कि यहाँ पर कोई सवाल है वो पूछ नहीं रहे हो, अब ये पूछो दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, मुझे क्या पता क्या क्या चीजें मौजूद है, जो काम हम कर रहे हैं वो करते जाओ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई सवाल नहीं है? यस सर। आगे चलो। नो सर, चले। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी, एक मिनट रह गया, तो मैं नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, टाइम ही वेस्ट।